नमस्कार उत्तराखंड, उत्तराखंड की युवा शक्ति को मेरा प्रणाम। आज वीडियो और वीपीडीओ परीक्षा पर एक बहुत विस्फोटक बात आपको बताऊंगा। चार मुद्दों पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये चार मुद्दे आपके सामने लिखे हैं, एक बार आप देख लीजिए। लेकिन उस वीडियो को आरंभ करें उससे पहले आपसे एक बात कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अभी जाइए, वहां पर आपको तीन लिंक मिलेंगे। पहले लिंक में आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, दूसरे लिंक में आपको इंडियन पॉलिटी का वीडियो मिलेगा जो डेमो वीडियो, और तीसरे वीडियो में आपको करंट अफेयर जो प्रदीप सर ने पढ़ाया है वो मिलेगा। तो जो हमारा 100 रुपये में पर सब्जेक्ट वाला कोचिंग कोर्स है, उसे आपने अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और लगेगा, क्योंकि हमने सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता आपको पढ़ाने का वादा किया है, और हमारा टारगेट भी है कि 100+ बच्चों को हमने इस बार पुलिस में सेलेक्ट करवाना है। तो आप अगर इच्छुक हैं और चाहते हैं अपने करियर की उड़ान भरना, तो निश्चित तौर पर आप इस कोर्स को ज्वाइन करें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके। तो आइए अब आगे बात करते हैं। और सबसे पहले आज मैं चार मुद्दों पर मैं बात करना चाहूंगा, चार टॉपिक मेरे पास डिस्कस करने के लिए हैं वीडियो और वीपीडीओ परीक्षा में। एक तरफ आज रैली होने की बात आ रही है, और मैंने सुबह कहा कि भैया ये रैली वैली का काम मत करो, क्योंकि देखो लोग नाराज हो गए मुझसे, कहने लगे कि आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। मुझे रैली से दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत यह है कि अगर कोई उपद्रवी कोई दुष्ट लोग वहां आके शासन व्यवस्था बिगाड़ते हैं, तो फिर हम जैसे लोग जो आवाज उठा रहे हैं आगे आने वाले दिनों में वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर, तो सबसे पहले चार टॉपिक हैं। परिस्थिति जन्य साक्षी की बात आज मैं करूंगा, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में SIT बनाने की मैं बात करूंगा, नार्को टेस्टिंग की मैं बात करूंगा, और एक विस्फोटक खुलासा जो मैं करूंगा आखिर में इस वीडियो के। तो सबसे पहले बात करते हैं परिस्थिति जन्य साक्षी की। देखिए आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं। एक कमरे में दो लोग बंद थे, ठीक है, एक ए व्यक्ति था एक बी व्यक्ति था, ठीक है, एक कमरे में बंद है, इनको बाहर से बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद दरवाजा खोला गया तो बी की लाश मिली, ए बाहर आया, ठीक है, और बी का लाश खून से सना हुआ था, उसके चेहरे पे किसी भारी चीज से वार की गई थी। तो क्या अब कोई व्यक्ति इस बात का सबूत मानेगा या मांगेगा कि भाई ए को तो किसी ने खून करते हुए देखा ही नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे परिस्थिति जन्य साक्षी क्या होते हैं। तो जो वीडियो वीपीडीओ परीक्षा में है, कई सारे ऐसे परिस्थिति सरकमस्टेंशियल एविडेंस यहाँ पर कहीं ना कहीं मिले हैं, भले वो उसे आप पुख्ता नहीं कह सकते हो, लेकिन मेरिट का ऊपर चले जाना, जानबूझ करके मैनिपुलेशन हुआ है नॉर्मलाइजेशन के नाम पे खास वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए, ये तो अपने आप में प्रूफ है ना कि किसी के आपने 4 नंबर बढ़ा दिए, किसी के वो घटा दिए, और फिर जब आपसे सवाल पूछा जाता है आप कहते हो कि SSC भी ऐसा ही कर रही है, तो ये कोई बात यहाँ पर नहीं होती है। दूसरा, मैं आज सभी लोगों से, राज्य की युवा शक्ति की ओर से, और पूरे सभी लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में, क्योंकि जांच ये करवा देंगे अपने ही 2-4 लोग SIT में बैठा देंगे, उनको भी मैनेज कर लिया जाएगा, लेकिन अब हम मांग करते हैं कि मुझे न्यायपालिका के अलावा, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मुझे जुडिशरी के अलावा किसी अधिकारी किसी आयोग किसी अथॉरिटी पर भरोसा नहीं, जुडिशरी पर भरोसा है। तो रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में मैं मांग करता हूँ कि SIT जांच होनी चाहिए भैया, ठीक है। इसके अलावा अगर जो लोग इसके बाद भी ईमानदार बनते हैं, तो वो लोग मैं कहता हूँ कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या जिनके ऊपर अवनियाँ उठ रही हैं, क्यों ना उनका लाई डिटेक्टर या नार्को टेस्ट क्यों नहीं करवा दिया जाता। और जो लोग नार्को टेस्ट से बचने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब फिर तो दिक्कत ही है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट। और चौथा, जो मैं आज एक बहुत बड़ा विस्फोटक खुलासे की बात करने जा रहा हूं, तो बस आप ये समझ लीजिए कि जब मेरी टीम इस केस के जांच इन्वेस्टिगेशन में लगी, मेरी भी एक टीम है जो इन्वेस्टिगेट इस चीज को कर रही है, तो इन्वेस्टिगेशन में हमारे हाथ कोई एक ऐसा ट्रंप कार्ड लग गया है। अब हम उससे सबूत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर इस ट्रंप कार्ड ने जो सबूत की इसने बात की है वो मुझे दे दिया, ठीक है, वो सबूत मुझे दे दिया, अभी मुझे पता भी नहीं ये आ रहा है कि इसके पास सबूत है नहीं है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इसने वादा किया है
लेकिन अगर इसने मेरे पास मेरी मुझे एक कोई सबूत दे दिया तो यह सबूत इतने के लिए पर्याप्त होगा कि पूरी भर्ती परीक्षा रद्द ही हो जाएगी, पूरी भर्ती परीक्षा रद्द हो जाएगी। न सिर्फ एक बल्कि इसमें एक बहुत बड़ा कोई गड़बड़ हुई है ऐसी बात इसमें वो बता रहा था, उसके पास ऐसा एविडेंस है नहीं है, मैं नहीं जानता अभी, लेकिन किसी एक्स वाई जेड ने मुझे सोशल मीडिया के थ्रू एनोनाइमस है संपर्क करके बताया है। और एक बात मैं और बता दूं, मुझे अभी तक वो पता भी नहीं कि व्यक्ति कौन है, तो अननोन नंबर से कॉल आया था। ये जो सबूत अगर मेरे हाथ लग गया तो मैं इसको सीधे आदरणीय उच्च न्यायालय को, हाईकोर्ट को ही दूंगा। मुझे किसी अथॉरिटी पे भरोसा नहीं, किसी आयोग पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं। अगर मैं फिर कह रहा हूं मुझे नहीं पता कि सबूत है भी उसके पास या नहीं भी, क्योंकि इतने सारे लोग मुझे कॉल करते हैं या कुछ भी होते हैं, लेकिन जरूर है, अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पे हम इस पे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।